इस तरह हम बिस्तरी करेंगे तो औरत कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। उसको मुकम्मल हम बिस्तरी का अमल कहते हैं। उसके कूल्हों के नीचे तकिया रखें, टांगे उठाकर उसकी शर्मगाह से शर्मगाह मिलाएं, नख के सिरे को उसकी क्लीट पर हल्का सा मसाज देकर सुराख के अंदर दाखिल कर दें। अब जो मजा आपको और बीवी को मिलेगा वो कभी भी कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। इस दौरान औरत की बच्चादानी नीचे जाती है। नफ के बार बार टकराने से औरत को जो सुकून मिलता है वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। लिहाजे आप जैसी मर्जी पोजीशन बना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इसके साथ साथ टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने के क्या फायदे हैं वो भी जान लीजिए। नंबर एक, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। नंबर दो, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द का नफ औरत के अंदर आसानी से चला जाता है। नंबर तीन, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है और उसको ज्यादा लज्जत हासिल होती है। नंबर चार, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से हमल की तवक्को ज्यादा होती है और औरत आसानी से हमला हो जाती है। नंबर पाँच, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द और औरत आसानी से फारिग हो जाते हैं, वरना दूसरे तरीकों से कभी मर्द पहले फारिग हो जाता है और कभी औरत पहले फारिग हो जाती है। नंबर छह, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत का पर्दाए बकारत आसानी से फट जाता है, औरत को पता भी नहीं चलता कि उसका पर्दाए बकारत कब फट गया। नंबर सात, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द का पेट भी नहीं बढ़ता और मर्द का वजन भी काबू में रहता है। नंबर आठ, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से नफ का दखोल गहराई तक जाता है। नंबर नौ, औरत की टांगे उठाकर नफ को औरत की शर्मगाह पर रगड़ने से और शहवत के उरूज पर पहुंच जाती है और नफ अपनी शर्मगाह में दाखिल करवाने के लिए तड़पती है। नंबर दस, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत पूरी तरह मर्द की गिरफ्त में होती है और मर्द नफ के जोर पर झटके मारकर औरत को जल्दी फारिग कर सकता है। अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वा है फिर आपको भी जुड़वा बच्चा पैदा होने का इम्कान होता है। सर्वे में बताया गया कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के जरिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं। ये जितनी मिकदार में ये हार्मोन निकलेंगे उतने अंडे निकलते हैं, जिससे दो बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद कर दे और जो साहिब औलाद हैं उस औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए।